आज है डे वन इस चैनल ने इस चैनल को कल शाम ही लाइव किया था और आज इसमें जस्ट डे वन में है 42 सब्सक्राइब। ये एक वीडियो का पार्ट है। अगर इस चैनल पे कुछ कंसिडरेबल अमाउंट और एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स बनते हैं तो मैं इस पूरी एक वीडियो को कंपाइल करके डालूंगा जिसमें बताऊंगा कि कैसे इस चैनल ने ग्रो किया। मैंने सिर्फ एक ब्लॉग अपलोड किया था लास्ट नाइट, एक बार देखा था यूट्यूब स्टूडियो में क्या कह रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मयंक रंजन दयाल मेरा पहला ब्लॉग था जो मैंने कल अपलोड, अभी है सब्सक्राइबर का 42। Today is day 4 of starting this channel. आज है जुलाई 18th। तो अगर आप इस वीडियो में देखें तो आज है टोटल 66 सब्स। Alright, तो आज ही मैंने एक नई वीडियो अपलोड की। आज है मेरा बर्थडे जो कि आने वाला है अभी इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग इन लाइक फ्यू आवर्स। यू सी राइट नाउ द काउंट हियर सेज 96, मतलब 100 का आंकड़ा टच करेगा हमारे जन्मदिन पर। एक पीछे चंपू हेयर कट का ब्लॉग ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने बोला था कि 98 सब्सक्राइबर है और अभी हमने क्रॉस कर लिया 100। हमने क्रॉस नहीं किए, हमारे हो गए हैं 100 सब्सक्राइबर। खुशी अलग ही है क्योंकि और ये रहे 100 का चली चुराई गलियां सब रंग रलियां पूछ रही है। जुलाई 25 और हमारे आज सब्सक्राइबर हो चुके हैं 150, 151 सब्सक्राइबर्स का चंद लग चुका है। 151 जुलाई 25, दिस इज संडे अगस्त 23। कल एक वीडियो अपलोड किया जिसका नाम है हल्दी एंड मेहंदी सेरेमनी इन यूएसए। अभी जो सब्सक्राइबर काउंटेड दैट इज 396, ऑलमोस्ट 400 होने वाले हैं। एक महीना और लगभग 12 दिन हो गए हैं चैनल को क्रिएट किए। Today is November 1st. First of all, thank you very much guys for 1K. बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस व्लॉग का वेट करने के लिए भी, क्योंकि मैं दो तीन दिन से बोलता हूँ, दो तीन व्लॉग से बोलता रहा हूँ, बट आज जाके बनाया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है मयंक और आज का व्लॉग बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है क्योंकि आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी पता चलेगी, क्योंकि आज हम जवाब देने वाले हैं आपके सारे क्वेश्चन। सारे का पता नहीं, काफी का कोशिश की जाएगी देने की, क्योंकि ब्लॉग करना बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। वैसे भी सुबह सुबह का टाइम है और मैंने भी अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है और बाहर का सीन दिखाया था आपको लास्ट व्लॉग में, जब आपको दिखाया था कि भाई बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा बारिश नहीं स्नोफॉल हुआ था, पूरा का पूरा पिघल चुका है सिर्फ एक दिन के अंदर। कल जो है 6 डिग्री टेम्परेचर, उसकी वजह से सारा पिघल गया। लुक एट दिस, यहाँ पूरे में बर्फ थी, अब वो सारी की सारी जा चुकी है। देख सकते हैं कोई निशान नहीं, एक्चुअली थोड़ी सी बर्फ वहाँ पे है जो कि आपको दिख रही होगी, यू कैन सी दैट। ऐसा थोड़ी थोड़ी सी सड़क के किनारे बर्फ है, एक वहाँ पे भी है थोड़ी सी, यहाँ पे ऐसा सारी बर्फ जा चुकी है। उसके ऊपर से हैना ने यहाँ पे पम्पकिन की दुकान लगा के रखी थी, वो दुकान अभी भी लगी हुई है। यहाँ पे 4 हमारे XXL XXL साइज के पम्पकिन है और हमें पता नहीं है अब इनका क्या करना, क्योंकि हैलोवीन तो जाता है। अब इसका क्या करें वी हैव नो आइडिया। अब बोला तो हमने ये था आपसे कि जब 1K स्पेशल व्लॉग आएगा तो हैना राजमा बनाएगी, लेकिन हैना तो राजमा नहीं बना पाई और पता नहीं कैलकुलेशन कैसे हुए कि सुबह सागर ने जो है राजमा भिगोने रख दिया और फिर अब शाम को मैं राजमा ही बना रहा हूँ। ये देखिए मसाला हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और इसमें जो है इसमें उबाल के रख दिया हमने 2-3 किलो राजमा, इसमें डालेंगे 3 दिन तक खाएंगे। बट द पॉइंट इज दिस कि वो नहीं हो पाया, वादे कस्मे दिए थे हैना ने कि मैं राजमा बनाऊंगी, वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उस लड़के के पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल। वो मेड स्कूल में आजकल जो कि मतलब डॉक्टर इन मेकिंग है, जिसका मतलब ये है टाइम नहीं। वो यहाँ पे यूजुअली बस एक दिन के लिए आती है थर्सडे को, कि उसको आना पड़ता है, उसका हर हफ्ते कोविड टेस्ट है। अगर आप मेड स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, इवन इफ आप कॉलेज जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उनका हर हफ्ते टेस्ट होता है। यूजुअली थर्सडे को आती है, फ्राइडे को वापस निकल जाती है, न्यू हैम्पशायर में रहती है जहाँ पे उसका घर है। तो यही सीन है, लेकिन जब भी टाइम मिलेगा आप बिल्कुल बनाएगी राजमा, तो आज हमारे राजमा से काम चला लीजिए। राजमे का किस्सा तो हमने खत्म कर दिया, तो इसी के साथ हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी ने पूछा है कि भाई शी योर गर्लफ्रेंड और शी योर वाइफ, ये इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग, क्योंकि हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं एक बात को बोलना चाहूंगा कि अगर वो हमारी गर्लफ्रेंड होती तो हम ये बेड यहाँ पे क्यों लगाते हैं ना, के लिए ये सब क्यों करते इतना बड़ा हरामी हो। परम मित्र है हमारी, दोस्त है हमारे, अगर आपको जिंदगी में एक दोस्त बनाना है तो है ना कि जैसा बनाओ, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड। और आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ में, लुकिंग एंड रीडिंग दिस क्वेश्चंस रैंडमली। व्हेन आर यू गोना गेट मैरिड, नो आइडिया। फिर से वही सवाल, व्हेन यू गोना मैरी, नो आइडिया, लेकिन सलमान भाई से पहले, ये बात पक्की है। उसके बाद में अगला सवाल आता है यहाँ पे 2000 रुपए के लिए, व्हेन डिड यू गेट टू अमेरिका, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर लाइफ, व्हेन आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम इंडिया, गुड क्वेश्चन। तो ये मैं आज बता ही देता हूँ एक्चुअली, क्योंकि काफी टाइम से आप लोग हाउ डिड यू गेट टू अमेरिका, तो अमेरिका में कैसे आया था, मैं एक्चुअली पढ़ाई करने के लिए आया था 2016 जनवरी न्यू ईयर डे सुबह सुबह के टाइम, और हमने ऐसे एयरपोर्ट से बाहर एंट्री मारी एकदम फिल्मी स्टाइल में। इमेजिन दैट, न्यू ईयर का दिन है और बहुत ठंड थी यहाँ पे उस दिन। एनीवे, तब मैं आया था यहाँ पे अपनी मास्टर्स करने के लिए, स्टडी माय मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी। दैट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन आई वुड से।
कह रहा है वेर आर यू फ्रॉम इंडिया. मेनली आई एम फ्रॉम नोएडा, आई ग्रो अप इन नोएडा. उसके अलावा मेरी जो फैमिली है वो सपनों के प्रदेश उत्तर प्रदेश में डिवाइडेड है, और उसमें से मेनली अराउंड बरेली, यू कैन से अराउंड लखनऊ, रामपुर, ये सब जो सिटीज हैं इनके अराउंड मेरी फैमिली है. मैं ज्यादातर टाइम अपना मैंने नोएडा में बिताया. 8th क्लास में नोएडा आ गया था, फिर मैं कॉलेज भी नोएडा में गया, तो बहुत नोएडा में टाइम बिताया हमने. तो आगे बढ़ते हुए बहुत ही अच्छा सवाल 5000 रुपए के लिए केबीसी में ये पूछ रहे हैं भाई साहब की फ्रॉम होम डिड यू पिक अप दीज ऑसम व्लॉगिंग स्किल्स, डू यू डू टेल अस अबाउट योर फेवरेट व्लॉग्स, इट वाज ग्रेट. व्लॉगिंग स्किल्स की ज्यादा बात है तो एक्चुअली वो मुझे सिर्फ देख देख के आए. मैं पहले व्लॉग्स काफी फॉलो करता था, और मैंने स्पेशली कहां से फॉलो करने स्टार्ट किए, मैं न्यूयॉर्क सिटी में रहता था 2017 में, और तब मेरे दोस्त ने मुझे इंट्रोड्यूस किया केसी नाइस्टेट को, और मैं वहीं रहता ही था, और मैं फिर केसी नाइस्टेट को बहुत ज्यादा देख लेगा, और वो न्यूयॉर्क सिटी में ब्लॉग्स बनाता है. इफ यू गाइस डोंट नो केसी नाइस्टेट, चेक आउट हिज चैनल, ही इज प्रोबब्ली माय फेवरेट ब्लॉगर एवर. वो बंदा भी न्यूयॉर्क सिटी के ब्लॉग्स बनाता था, आई वाज एबल टू सो मच रिलेट टू दोस ब्लॉग, क्योंकि मैं मेरा कम्यूट भी वही था, मैं वहां पे जाता था, मैं 5th Avenue पे मेरा ऑफिस था वहां पे, तो हमेशा मैं वहां पे काम करता था, इट वॉज वेरी मच रिलेटेबल. तो मैंने वहां से बहुत केसी नाइस्टेट देखना स्टार्ट कर दिया, वो कैसे शॉर्ट्स लेता है, सीन कैसे क्रिएट करता है, वो आई लर्नड अ लॉट व्हाइल यू कैन से व्हाइल वॉचिंग, सो नेवर आई वाज रियली गॉट ट्रेंड इन दिस. तो वहीं से मैंने पिकअप किए थोड़े बहुत स्किल्स. उसके अलावा और भी मैं जनरली काफी सारे ब्लॉग देखता हूँ. केसी नाइस्टेट के अलावा आई रियली लव डेविड डोब्रेक, उसने पता नहीं कि व्लॉग्स डालने बंद कर दिए बहुत ज्यादा, बट बहुत डिफरेंट स्टाइल है, ये भी एक चीज है व्लॉगिंग. इंडियन ब्लॉगर से वो भी बहुत अलग है, मुंबई का निखिल फ्लाइंग ब्रीज, बहुत डिफरेंट स्टाइल्स है व्लॉगिंग के. तो वही कहते हैं हर एक बंदे की अपनी एक यूनिकनेस होती है व्लॉग्स के अंदर, एंड विच आई टोटली एग्री विद दैट. बट बाकी सारी चीजें कॉमन होती है काफी, आप शॉर्ट्स ये वो हाइपरलैप्स ये सब चीजें ड्रोन शॉर्ट्स वो डाल सकते हैं, बट जो मेन चीज होती है व्लॉग में वो होता है योर यूनिकनेस, दैट्स द कंटेंट एक्चुअली. बट एनीवे उसको तो सवाल भी नहीं था, पता नहीं मैं सबको बता. Yes, my favorite vloggers, Casey Neistat, David Dobrik, love. Go check them out अगर आप नहीं देखते उनको. ये सवालों के सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं. लोकेशन थोड़ी सी चेंज कर लिया है, अंदर आ गए अपने रूम में. तो नया क्वेश्चन, और ये बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछा भाई. I love you a lot, bro. So also a lot of questions to ask. Okay. So, सबसे पहला सवाल है इनका, why are you making those videos on YouTube, for popularity or earnings? So for now, I would say you can say for popularity, not for earnings for sure. क्योंकि YouTube की जो अर्निंग है उसका कैलकुलेशन है मेरे पास, और ये YouTube चैनल स्टार्ट करने से पहले से मेरे को पता है, और मेरा एक और चैनल है तो मुझे वहां से भी पता है कि YouTube की जो अर्निंग है वो इनसिग्निफिकेंट है, टू बी ऑनेस्ट विद यू. काफी टाइम तक YouTube की जो अर्निंग्स है वो इनसिग्निफिकेंट ही रहती है, सो मैं वो उसके लिए तो नहीं कर रहा हूँ अभी, तो वो देखा जाएगा. और अभी जब भी मोनेटाइजेशन के लिए रेडी हो जाएगा चैनल, उसके बाद में मैं उसको मोनेटाइज नहीं करने वाला हूँ, अगले एक साल तक तो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं, आई डोंट वांट टू शो यू गाइस टू एड्स जस्ट टू रीच टू माय वीडियो, वो मैं नहीं करना चाहता अभी. दूसरा सवाल पूछता है कि व्हेन आर यू कमिंग टू इंडिया. बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन इस साल तो मुश्किल है. यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि दिसंबर में इंडिया जाता हूँ, क्योंकि क्या होता है क्रिसमस के अराउंड पूरा वीक ऑफ होता है, फैमिली वैकेशन करते हैं, कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं. बहुत बढ़िया, आज तो लास्ट टाइम राजस्थान गया था, उसके बाद मैं गोवा गया था, सब नहीं पूछा फिर बता दे रहा हूँ, लेकिन बट आई एम गोइंग टू मिस कमिंग टू इंडिया दिस ईयर. तो इस साल आना मुश्किल है ड्यू टू कोविड. दूसरा सवाल, हु इज हैना, व्हाई डोंट वी आस्क हैना, लेट्स सी. अरे यार तो फोन नहीं उठाती लड़की, हो सकता है अभी ना उठाए, नहीं उठाए तो बाद में कभी उठाएगी तो पूछ लेंगे. हे मॉडी, हाउ इज इट गोइंग? गुड, मेकिंग डोसा. ओ, व्हाट आर यू मेकिंग? डोसा. लुक एट दैट, मॉडी इज मेकिंग डोसा. मॉडी, यू आर ऑन व्लॉग एज वेल. ओह या, ओ दैट्स प्रीटी कूल. Is that the mix? Hey Abby, that looks really good, Moni. That's delicious. I have a really good question for you. Somebody asked this question, so I thought like let's just ask you this question. So somebody asked, who is Hannah? So explain yourself. Perfect. I'm so glad they asked who I am. Yeah. Because I am very complicated and complex. Mm-hmm. And I'm a medical student at Tufts University. Yep. And I'm also a comedian. And my favorite activity when I'm not in class is messing with man. I love to torture him. It's my very favorite thing to do. We can see that in vlogs. I like to stay fit. I'm an athlete. One point I did an Ironman. Ironman. She did an Ironman. Ironman ke bare mein nahi pata hai aapko, to search kijiye. It's a brutal race. If I ever do Modi Ironman, that my life would be done. Like I would feel accomplished forever. Like I don't have to do anything else in it. Thank you so much and good luck with your dinner. I hope it comes out good and people still want you to make rajma, so remember that. And you know what? Oh yeah, at least I'm checking off one box, which is dosa. Which is dosa. Alright, Mari. Love you, Scooty. Love you, good night. तो ये हो गया आपका who is Anna. तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये भाई साहब उसी एक ही क्वेश्चन का पार्ट, मतलब एक ही कमेंट का पार्ट है, तो आई थिंक काफी चीजें कवर हो जाएंगी, तो इट्स अ गुड 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 कवर. तो मैं यूनिक क्वेश्चन से कवर कर रहा हूँ. तो अगला सवाल है, व्हाई यू लिव इन द यूएस, एजुकेशन और अदर रीजंस? एजुकेशन एजुकेशन था, अब अदर रीजन ये कि आई एम वर्किंग है. उसके बाद में है, टेल योर एज एंड हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव. ग्रेट क्वेश्चन, I'll leave it to you guys to guess. Or how many siblings do you have? I have only one sibling, my elder brother. Aur ye bahut hi khoobsurat sawal pure ke pure 1 lakh rupaye ke liye. You have how many girlfriends? Tell me please, huh? Let me see. Right now, 5. 6. Mazak kar raha hai, mazak kar raha. Koi girlfriend nahi hai, ekdam koi girlfriend.
तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए सेज यस फॉर Q&A टेल अस अबाउट द स्टार्टिंग टिल नाउ योर लाइफ जर्नी शेयर सम फोटोज टेल अस मोर वन के सब्सक्राइबर्स विल बी लाइक अ फैमिली सो इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके लिए जिसमें कि मैं पूरी की पूरी स्टोरी बता दूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी है तो एक सेपरेट स्टोरी बना दूंगा पूरी की पूरी स्टोरी के लिए उसमें सारी पूरी जन्म कुंडली खोल कर देंगे आपके पास चिंता मत लीजिए प्रोफेशनल पर्सनल सब बहुत ही बढ़िया सवाल किसी ने पूछा व्हेन विल यू बाय अ कार बहुत अच्छा सवाल है बाय अ कार का पॉइंट है नहीं एक्चुअली क्योंकि मैं गाड़ी ले सकता हूं मैं गाड़ी कभी भी ले सकता हूं लेकिन मैं गाड़ी इसलिए लेता क्योंकि मेरे पास यूज नहीं है गाड़ी का ज्यादा अभी क्या सीन है कि सिटी में रहते हैं यहाँ पे ट्रेन से कम्यूट बहुत इजी है पहले जब कभी ऑफिस जाते हैं तो ट्रेन डायरेक्ट जाती है तो हम उससे यूज करते हैं और आप डाउनटाउन में वैसे भी पार्क करना चाहेंगे नहीं क्योंकि वहाँ पे एक घंटे की पार्किंग के $25 एक घंटे की पार्किंग के $25 लगते हैं अगर आप ऑफिस गए और ऑफिस में आप 8 घंटे रुके तो इमेजिन कि आप एक घंटे एक दिन में ही पार्किंग कितने रुपए तो ये सारी बेकारी की कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व है इसका कोई सेंस नहीं बनता तो बड़ी सिटीज में कोई गाड़ी चलाता नहीं मतलब ऑफिस नहीं डाउनटाउन एरिया में आप कभी गाड़ी लेके नहीं जाते बाहर अगर आपका ऑफिस है सिटी देन इट मेक सेंस और डेली कम्यूट करें तो आप गाड़ी ले अभी अगर मैंने गाड़ी ले ली तो वो पूरे के पूरे 7 के 7 दिन खड़ी रहे बस वीकेंड पे कभी ऐसा होगा सैटरडे संडे जैसे हम लोग अभी सागर हो मैं कभी घूमने चाहता हूँ तो हम घूमने चले इससे ज्यादा उसका कोई यूज नहीं है गाड़ी का तो इसलिए मैंने अभी तक गाड़ी नहीं लिया बट हैविंग सेड गाड़ी लेना चाहता हूँ बहुत जल्दी लूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए सवाल किसी ने पूछा क्वेश्चन इज IIT वर्थ और ग्रेजुएशन इन फॉरेन तो आई थिंक ये पूछना चाह रहे हैं कि हम IIT से बीटेक कर लें या फिर कहीं बाहर से बीटेक कर लें या फिर अंडर ग्रेड कर लें या ग्रेड कर लें तो फिर कौन से कहां से करना वर्थ है यार इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर पर्पस अगर आपका पर्पस पैसा कमाना है तो मैं बोलूंगा कहीं बाहर से ही कर लो पर्पस है बिल्कुल करें कनाडा से करो यूएस से करो ऑस्ट्रेलिया से करो यूरोप में किसी कंट्री से करो वहां से आप मास्टर्स करो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए किसी ने सवाल पूछा है काफी डीप क्वेश्चन काफी सारे क्वेश्चन पूछे एक में हाउ डू फेयर कैन डू कैंपस जॉब सर्च आउटसाइड फ्रेश पैकेज इन डिलॉयट व्हाई नो वीडियोस आर अपलोडिंग ऑन सेकंड चैनल भाई सेकंड चैनल पे डाली ना कल वीडियो एक डाली काफी टाइम बाद डाली लेकिन डाली अब डालेंगे उस पर रेगुलरली डालेंगे और आर्ची भी डालेगी आर्ची जो शी इज क्रिएटिंग रियली गुड स्टफ फॉर यू गाइस तो आएगी बहुत जल्दी जल्दी उस पर वीडियो बाकी जो आपने सवाल पूछे हैं डिलॉयट और कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड वो मैं सारे दूसरे चैनल पर डाल दूंगा उस पर भी 2K सब्स हो रहे हैं तो उसका भी 2K सब्स Q&A कर देते हैं यही वो सब वहां पे कॉपी पेस्ट कर दो और व्हाई डोंट यू फॉरगेट थिंग्स लाइक यू यूज टू डू रन बैक एंड ग्रैब दोज स्टफ तो भाई बहुत पहले से ब्लॉग फॉलो करते हैं तो पहले मैं जो है पिछले घर में था बार बार चीज भूल जाता मैं अभी भी भूलता हूँ भाई और अभी भी ये कांड होता है कि मुझे बार बार वापस आना पड़ता है और यहाँ पे बहुत लंबा लफड़ा होता है जब मुझे वापस आना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे एक बार फायर एग्जिट से निकल तो जाते हैं लेकिन पूरा फिर मेन एंट्रेंस पे जाके पूरी बिल्डिंग में एंटर करना पड़ता है यहाँ पे मैं एक तो पहले ही बहुत कॉशियस से निकलने से पहले सब ऐसा देख लेता हूँ बहुत ही बढ़िया सवाल आया किसी भाई साहब का कह रहा है इन विच कंपनी यू आर वर्किंग राइट नाउ आई वर्क फॉर डेलॉयट दैट्स द कंपनी तो भाई बहनों दोस्तों हमारे डिनर करने का टाइम हो गया एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस Q&A अगर आप चाहते हैं कि अगला Q&A आए तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब करिए और 2000 पे पहुंचाइए 2000 सब्स पे हम एक और Q&A करेंगे और उस Q&A में पता नहीं वो Q&A भी काफी इंटरेस्टिंग होगा बाकी सारे जो क्वेश्चन है अगर मैं नहीं ले पाया तो आई एम वेरी वेरी सॉरी गाइस ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा अपनी जर्नी के ऊपर फॉर श्योर बहुत जल्दी आएगी वो वीडियो उसमें पूरी पूरी कहानी जन्म कुंडली ऐसे बोला मैं निकाल के पूरी आपको दे दूंगा ऐसे स्क्रीन पे बाकी आपको वो तो पता ही है जो कांड हुआ था हमारे साथ वो बच्चों ने हमारे साथ चीटिंग करके वो स्नो एंजल बनवाया था तो स्नो एंजल का भी एक और प्लान है अगर 2K इस विंटर में हो गए दिस टाइम स्नो एंजल कमिंग अगेन गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो इफ यू एंजॉयड द Q&A और मैं आपसे मिलूंगा अगली बार एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग दिस इज माइंड कंचन दयाल ओवर एंड आउट